अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से PFI के दफ्तरों पर उनके कारकुनान को गिरफ्तार करने का एक सिलसिला मुस्तकिल जारी है। आज तकरीबन 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, लिहाजा ED, CBI और NIA की जानिब से जो छापामारी PFI के दफ्तरों पर की जा रही है, इसी के खिलाफ बेलगाम शहर में भी इस हाईवे के ऊपर बड़े पेट्रोल पंप के करीब एक एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। लिहाजा यहां पर प्रोटेस्ट में कई सारे PFI के नौजवान कारकुनान यहां पर शरीक रहे। पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया और फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तकरीबन 10 अपराधों के करीब लोगों के गिरफ्तार करने की खबर तो हासिल है, लेकिन अब तक आगे की कार्रवाई का इल्म नहीं है। लिहाजा अब और आगे PFI क्या रणनीति करती है, इस पर भी सबकी तवज्जो है। लेकिन एक बात इतनी ज़रूर है कि जानबूझकर कर्नाटक रियासत के जो चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसी के मद्देनज़र एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे इल्जाम भी हुकूमत की जानिब से और फिर इंतजामिया पर भी लगाए जा रहे हैं। PFI को लेकर पिछले कई सालों से या कई अरसे से एक इन पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, और इनके दहशतगर्दी से तार जुड़ने के भी बारहा इल्ज़ाम लगाए गए, और कई बार फसाद के लिए या फिर कुछ अगर हरकतें होती हैं तो उसे PFI से जोड़ने की कोशिश भी इससे पहले भी की गई है। लिहाजा सभी जानते हैं PFI एक सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाली तंजीम है, लेकिन कहीं तो भी इस तंजीम को एक मजहबी एंगल देकर इसे आवाम के सामने एक तशद्दुद का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले भी वजीर दाखिला अमित शाह ने PFI को लेकर या NIA, CBI, ED की रेड इससे पहले भी की गई थी, इससे पहले भी बारहा इनको हिरासा करने की बात कही गई थी। लिहाजा आज जो है बड़े पैमाने पर रियासत कर्नाटक के साथ मुख्तलिफ रियासतों में भी पूरे मुल्क में छापामारी की गई। लिहाजा इसी के पस मंज़र में बेलगाम PFI की जानिब से आज यहां पर हाईवे के ऊपर एहतजाज किया गया, और कसीर तादाद में यहां पर नौजवान शरीक थे, लेकिन पुलिस महकमा की जानिब से इनके एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई, फिर इन गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई। आगे क्या होता है, क्या वाकई PFI पर पाबंदी आयद की जाएगी, अगर पाबंदी आयद की जाएगी तो PFI के पास क्या मनसूबाबंदी होगी, इस पर भी सभी की नज़रें टिकी हुई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। गाड़ी बंद कर।
चलेगी नहीं चलेगी। भारत तकबीर अल्लाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत देश मुर्दाबाद। शर्म करो शर्म करो नहीं तो डूब मरो शर्म नहीं तो
तो ಸೆಂಟರ್ ಹರಿಬೋದು ಹೈವೇ ಅದ ನೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ನವೀನ್ ಸರ್ಗೆ ಈಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದು ನೀನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಷಣ ಕಡೆ